करते हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर विभिन्न विषयों में स्नातक के 254, स्नातकोत्तर की और पीएचडी के 16 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें 179 छात्र और 81 छात्राएं शामिल हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों के 15 छात्र छात्राओं को कुलपति स्वर्ण रजत और कांस्य पदकों से सम्मानित किया गया। इस बार दीक्षांत समारोह में 11 छात्राओं और 5 छात्रों को उत्कृष्टता पदक दिए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं से कहा कि वो अपने जीवन में कृषि के ज्ञान को व्यवहारिकता में लाएं तथा सरकार के द्वारा दिए जा रहे स्टार्टअप योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाएं। आज देश में एक नया विषय चर्चा में बना हुआ कौशल जनगणना हमारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय से प्रति वर्ष लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं उपाधि प्राप्त कर जब आजीविका हेतु यथार्थ के धरातल पर आते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि उन्हें अब कार्य करना सीखना होगा, प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, अर्थात वे अकुशल की श्रेणी में है। ज्ञान के साथ साथ कौशल विकसित हो जाने से आप में आत्मविश्वास जागेगा और आप आशावादी बनेंगे कि आप अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं होंगे। पहली बात तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो हमारा इनोवेशन हमारे अंदर है और माना जाता है जनरली कि लड़कियां इंजीनियरिंग से और मैथमेटिक्स से दूर रहती है, बट मेरा ये सोचना नहीं था। मेरे फादर और मदर ने हमेशा मुझे इस चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। वो चाहते थे कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जाऊं और मेरा जो मैथ्स की तरफ रुझान था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं वो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सुनी ताकि एग्रीकल्चर के साथ साथ मैं मैथ्स और इनोवेशन वाली चीज को दोनों को साथ मिला के देश और आगे की चीजों के लिए काफी अच्छे ऑप्शन है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। एक तो गवर्नमेंट साइड हमारी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो पूरी एग्रीकल्चर लैंड है तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है एग्रीकल्चर को लेकर इस चीज में। तो हम जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं वो बहुत सारी ऐसी मशीनरी सब पे वर्क करते हैं जो बाकी जाके फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, आप